रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मनसब अली। आई एम लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट इन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज नारोवाल। स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा लेक्चर है, इसमें हम ये देखेंगे कि डिफरेंट कंप्यूटर्स के थ्रू डाटा को जब हम एक जगह से दूसरी जगह पर सेंड करते हैं तो डाटा ट्रांसमिशन की हमारे पास कितनी टाइप्स हो सकती हैं। नो लेट स्टार्ट। बेसिकली डाटा ट्रांसमिशन के स्टूडेंट्स हमारे पास दो टाइप्स हैं, पैरेलल एंड सीरियल। और सीरियल ट्रांसमिशन जो सी है उसकी हमारे पास आगे से फर्दर क्लासिफिकेशन है, असिंक्रोनियस और सिंक्रोनियस। तो नो लेट स्टार्ट पैरेलल ट्रांसमिशन। मेथड इन विच ग्रुप ऑफ बिट्स आर सेंट एट सेम टाइम यूजिंग मल्टीपल वायर्स। यानी स्टूडेंट्स, अगर हम अपने डाटा को सेंडर से रिसीवर तक ट्रांसफ़र करते हैं और ये डाटा हमारे पास ग्रुप ऑफ बिट्स में है और ये ग्रुप ऑफ बिट्स जो सी हैं एक वक्त में मल्टीपल लाइंस में या मल्टीपल वायर्स या मल्टीपल पाथ्स में सेंड होती हैं, तो इस तरह की ट्रांसमिशन को हम पैरेलल ट्रांसमिशन का नाम दे सकते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको फिगर में नज़र आ रहा होगा कि एक सेंडर है और इधर हमारे पास रिसीवर है। सेंडर से रिसीवर तक हमारे पास 8 लाइंस अवेलेबल हैं। इट्स मीन के 8 बिट्स का डाटा हम एक वक्त में इन लाइंस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन ये डाटा जब हम ट्रांसफ़र करेंगे, 8 बिट्स जब हम ट्रांसफ़र करेंगे, ये 8 बिट्स पैरेलल ट्रांसफ़र होंगी। जैसे कि अगर 0 हमारे पास यहाँ पे है तो 1 भी यहाँ पे है। इसी तरह अगर 0 हमारे पास यहाँ पे पहुँचा है तो 1 भी यहीं पे पहुँचेगा, 1 भी यहीं पे पहुँचेगा, 0 भी यहीं पे पहुँचेगा, एंड सो ऑन। इस तरह अगर हमारा डाटा पैरेलली इन लाइंस में सेंडर से रिसीवर तक पहुँचता है तो इस तरह की ट्रांसमिशन हमारे पास पैरेलल ट्रांसमिशन है। पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन यूज मल्टीपल कम्युनिकेशन लाइन, मल्टी लाइन्स हाईवेज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल ट्रांसमिशन। इट मीन स्टूडेंट्स, हमने ऊपर डायग्राम में भी देखा कि अगर हमने 8 बिट का डाटा सेंड किया है तो हर बिट एक लहदा लहदा लाइन में ट्रांसफर हुई है, उसने मल्टीपल लाइन्स 8 बिट मल्टीपल लाइन्स में सीवर तक पहुँची हैं। इसी तरह हमारे पास जो मल्टी लाइन हाईवे है, इट्स मीन कि हम डेली लाइफ में देखते हैं कि एक हाईवे के ऊपर दो गाड़ियाँ पैरेलली इकट्ठी एक कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ जा रही हैं, तो ये भी एग्जाम्पल हमारे पास एक पैरेलल ट्रांसमिशन की है। पैरेलल ट्रांसमिशन की जो उनसे स्पीड है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, क्योंकि इसमें जितनी भी ग्रुप ऑफ बिट्स होती हैं ये एक ही वक्त में सेंड हो जाती हैं, इस वजह से इसकी स्पीड भी फास्ट होती है। विद इन द कंप्यूटर डाटा इज ट्रांसमिटेड यूजिंग पैरेलल मोड। इफ़ द कंप्यूटर यूज 32 बिट इंटरनल स्ट्रक्चर दैन आल द 32 बिट ऑफ डाटा इज ट्रांसफर्ड इन 32 लाइन्स कम्युनिकेशन। यानी स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास 32 बिट्स का डाटा है और हमारा कंप्यूटर जो सा उसका इंटरनल स्ट्रक्चर 32 बिट्स का है, तो हम 32 बिट्स का डाटा एक ही वक्त में 32 लाइंस के अंदर सेंड कर सकते हैं। इसी तरह 64 बिट्स का डाटा हो अगर और 64 लाइंस अवेलेबल हों, तो हम 64 लाइंस के अंदर भी 64 बिट का डाटा एक वक्त में सेंड कर सकते हैं। लेकिन हमारे कंप्यूटर के अंदर अगर इंटरनल स्ट्रक्चर 32 बिट का है तो 32 बिट का डाटा ही सेंड होगा। नो पैरेलल ट्रांसमिशन इज़ नॉट सूटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सूटेबल नहीं है। इट इज़ एक्सपेंसिव दैन सीरियल ट्रांसमिशन। सीरियल ट्रांसमिशन से एक्सपेंसिव है क्योंकि सीरियल ट्रांसमिशन में डाटा जो सा वो सिंगल वायर में सेंड होता है, इसमें हमारे पास मल्टीपल वायर्स होती हैं और मल्टीपल वायर्स जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें हमारी कॉस्ट भी ज़्यादा आती है। नो अ प्रिंटर आर कनेक्टेड टू द पैरेलल पोर्ट ऑफ कंप्यूटर, देयरफॉर कंप्यूटर डाटा ट्रांसफर डाटा टू प्रिंटर यूजिंग पैरेलल ट्रांसमिशन मोड। स्टूडेंट्स, जो हमारे पास प्रिंटर है उसकी जो पोर्ट होती है, आपने देखा होगा उसमें मल्टीपल पिन्स होती हैं। इट्स मीन के वो मल्टीपल बिट्स को एक वक्त में रिसीव करता है। जब हम कंप्यूटर से इंस्ट्रक्शंस प्रिंटर को देते हैं तो कंप्यूटर जोन्स है ग्रुप ऑफ बिट्स सेंड करता है और प्रिंटर जोन्स है उसकी जो सी पोर्ट होती है वो पैरेलल पोर्ट होती है। पैरेलल पोर्ट की वजह से वो ग्रुप ऑफ बिट्स को रिसीव कर लेता है और हमारा जो सा डाटा वो मल्टीपल लाइंस में प्रिंटर तक ट्रांसफ़र होता है। जो प्रिंटर हम कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं, ये भी एग्जांपल हमारे पास पैरेलल ट्रांसमिशन की है। नो लेट स्टार्ट सीरियल ट्रांसमिशन। सीरियल ट्रांसमिशन यूज सिंगल कम्युनिकेशन लाइन। इट्स मीन के स्टूडेंट्स, इधर आप डायग्राम में देखिएगा कि सेंडर एंड सीवर तक हमारे पास एक ही कम्युनिकेशन लाइन अवेलेबल है। इट्स मीन कि जितनी भी हमारे पास बिट्स हैं, अगर 8 बिट्स हैं तो वो बड़ी बड़ी करके सेंड हो रही हैं, जैसे 0100 1110। ये सारी बिट्स एक ही कम्युनिकेशन लाइन में एक वक्त के साथ एक एक करके सेंड हो रही हैं, सिक्वेंशली सेंड हो रही हैं। सीरियल डाटा ट्रांसमिशन मॉडल इज़ वेरी स्लो बिकॉज डाटा इज सेंड सिक्वेंशली इन बिट बाई बिट। जैसे तो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है कि इसमें जो सा डाटा है वो एक एक बिट करके
सिक्वेंशली सेंड होगा, इस वजह से इस तरह की ट्रांसमिशन जो सी है ये हमारे पास स्लो है। इन कंप्यूटर सिस्टम मोस आल्सो यूज सीरियल ट्रांसमिशन। स्टूडेंट जो हमारे पास सीरियल मोस होता है वो हमारे पास सीरियल ट्रांसमिशन का एग्जांपल है, क्योंकि उसमें हमारे पास एक ही बीट एक वक्त में सेंड हो रही होती है। नो सीरियल ट्रांसमिशन की स्टूडेंट्स हमारे पास फर्दर क्लासिफिकेशंस हैं, एसिंक्रोनियस और सिंक्रोनियस। स्टूडेंट्स जो आज का हमारा लेक्चर था इसमें हमने डाटा ट्रांसमिशन की टाइप्स देखी हैं, कल पिछले प्रीवियस लेक्चर में हमने डाटा ट्रांसमिशन के मोड्स देखे हैं, अब हम फर्दर लेक्चर में सीरियल ट्रांसमिशन की क्लासिफिकेशंस देखेंगे। ये जो सीरियल ट्रांसमिशन की क्लासिफिकेशंस हैं कुछ बुक्स में इसको मेथड्स का नाम भी दिया गया, अगर आपको व्हाट इज़ मेथड्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन तो हम इन दो मेथड्स की बात करते हैं, सिंक्रोनियस और एसिंक्रोनियस। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है, कल इंशाल्लाह हम यहाँ से आगे कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे। अगर आपको इस लेक्चर में किसी भी टाइप का कोई मसला हो तो आप इसके नीचे कमेंट्स कर दें, या फिर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे भी अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं टाइम के हिसाब से आपको उसका रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।